अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इरफान चांडियो। कहते हैं मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आज हमारे साथ है मोहम्मद अरसलान, जो जिनकी उम्र 23 साल है और 23 साल में अपना एक मेडिकल सेंटर चला रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे उनकी स्ट्रगल, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की अपनी लाइफ में और कहाँ कहाँ पर उन्होंने मुश्किल देखी। और तालीम मुकम्मल करने के बाद जगह जगह नौकरी करने के बजाय उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, अभी मेरी इस वक्त उम्र है 23 साल। मैट्रिक करने के बाद अभी एफएससी भी बस ऐसे समझें कि बड़ी मुश्किल से की, क्योंकि एफएससी में एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो पढ़ाई का शौक़ भी था, ऊपर से घर के हालात भी ठीक नहीं थे कि वो मुझे जो है एफएससी करवा सके। उस वक्त जो है ना, अपने घरों में कमेटी वगैरह जो होती है वो डाली हुई थी, ठीक है। उसमें से कुरानदाज में 10,000 रुपये मेरा निकला, ठीक है। मैंने उसी 10,000 रुपये में एक चिंग चिंग रिक्शा जो होता है वो एक दोस्त है उससे रिक्वेस्ट करके इंस्टॉलमेंट पर लिया। अच्छा, मतलब आपने रिक्शा ले लिया एफएससी में दाखिले के साथ साथ? अभी दाखिला मैंने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त 10,000 रुपये था। अगर मैं उस वक्त वो 10,000 रुपये एडमिशन ले लेता तो फिर वो एडमिशन तो उस वक्त हो जाता, लेकिन आगे मैं क्या करता। जैसे मैंने रिक्शा ले लिया, रिक्शा लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट दी मंथली 3,000 रुपये वो होती थी, ठीक है। और साथ एफएससी का ख़र्चा वगैरह, ये कि फ़र्स्ट टाइम जो है मैं कॉलेज चला जाता था, उसके बाद जो 2 बजे ऑफ करके आ गया बंदा जो है, रेस्ट वगैरह करके शाम को निकल गया 8 बजे का, वो चला है 2-3 दिन। अलहम्दुलिल्लाह इतना हो चुका था कि अभी जो है ना बीएससी के एडमिशन के लिए जो मेरे पास पैसे इतने थे, ठीक है, बीएससी के एडमिशन कराया। बीएससी के एडमिशन के बाद एडमिशन के साथ मैं जो है ना पार्ट टाइम जो है ना फ्री में लेबॉरेटरी में जाकर अपने एक्सपीरियंस के लिए जाता हूँ। 6 महीने तक ऐसे समझिए कि मैं फ्री काम करता रहा। वही 2 साल बस गुजर गए, एमएलटी मेरी हो गई। उसके बाद मॉर्निंग में जो है ना एक जॉब स्टार्ट की, 4 बजे जॉब पर, फिर मैंने सेकंड जॉब भी स्टार्ट कर दिया। ये है कि उससे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। पंडी में तकरीबन एक टाइम का मुझे 15,000 वो मिल जाता था, सेकंड टाइम का भी 15,000 मिल जाता था। मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके मेरे एक दोस्त थे उनके रेफरेंस से मैं जो मेडिकल इंजीनियर थे उनसे मिला। उनको मैं एक छोटी सी लेबॉरेटरी जो है बनाना चाहता हूँ ताकि जो है ना मैं स्टार्ट ले सकूँ। उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है, उनकी भी मेहरबानी। शुरू में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। वो सेकंड फ्लोर एक नूर आई केयर सेंटर था, ठीक है, मेडिकल सेंटर ही था उसको, वो भी न्यू था। उन्होंने ऊपर जो है, उनके पास नीचे जगह तो नहीं थी, उन्होंने ऊपर एक कमरा बना हुआ था जैसा, उस तरह मुझे उन्होंने एक कमरा दे दिया था, उसी में मैंने स्टार्ट की थी। मार्केटिंग करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत उन्होंने का पता चल गया था कि हर की बंदा बिजनेस कर सकता है, काम कर सकता है। वहाँ से सारा मैंने जो है ना एक मेन रोड पर जो है लैब शिफ्ट कर दी, ठीक है, और मार्केटिंग स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने 3 से 4 लड़के ऐड कर दिए, 3 से 4 लड़के। मैं सिर्फ मार्केटिंग करता था, ठीक है, मार्केटिंग। छोटी सी लैब से स्टार्ट किया और फिर ये मेडिकल सेंटर बनाने में कितना टाइम लग गया आपको? ऑलमोस्ट 3 साल। इन 3 साल में ये है कि वहाँ से फिर मैं यहाँ जालफला मेडिकल सेंटर में हुआ, ठीक है। तो बस अल्लाह पाक का एक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे पास तकरीबन 8 से 9 लड़के काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय वो काम कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छे सर्जन भी हैं, कंसल्टेड प्रोफेसर गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं अलफला मेडिकल सेंटर में अरसलान के साथ 1 साल से काम कर रही हूँ। अरसलान एक बहुत मेहनती लड़का है और इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा सेटअप अपना बना लिया है और इतने अच्छे तरीके से वो उसको रन कर रहा है। उसके पास बहुत से डॉक्टर्स भी आते हैं, मैं भी यहाँ पर 1 साल से काम कर रही हूँ, तो उसको देख के हम सब बहुत मोटिवेट होते हैं कि वो अपनी सारे स्किल्स और जो पढ़ाई उसने की है उस चीज़ को एज अ बिज़नेस माइंड बना के बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो उसको देख के बहुत खुशी होती है कि एक 23 साल का लड़का है और वो इतने अच्छे तरीके से एक सेटअप को रन कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर नवीद है, मैं यहाँ एज ए जनरल सर्जन, मैंने अल्फला मेडिकल सेंटर को ज्वाइन किया है। अरसलान मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, मतलब मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि उसने इस यंग एज के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है कि माशाल्लाह उसने इस सेंटर को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। पेशेंट मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कंसर्न होता है। हम एज डॉक्टर सर्जन, हम मोस्टली हमारा एडमिन के साथ इशू रहता है कि हमें उनसे कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, लेकिन अरसलान के बारे में मैं कहूँगा कि मैंने इसको जब भी कुछ भी कोई भी डिमांड की है पेशेंट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो इसने
विद इन मिनट्स विद इन आवर्स उस इशू को इसने सॉल्व किया है, और पेशेंट के मुतालिक हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट की जो वेल बीइंग है उसमें काफ़ी कंसर्न होता है ये। बाकी एज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, बाकी जो इसके कोलीग्स हैं, स्टाफ हैं, उनके साथ एज फ्रेंडली ये बिहेव करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ एटलीस्ट मुझे किसी ने कहा हो, मेरे तक ये बात आई हो कि किसी भी इसने अपने जूनियर स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया या किसी पेशेंट के साथ ऐसा किया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि इस एज के अंदर ये इनकी जो आप ये कह लें कि इस एज के अंदर ये चीज़ें आजकल जो हमारा मतलब एज इसमें ये चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा हो, डीलिंग में अच्छा हो, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बहुत अच्छा हो और सिस्टम को एक अच्छी तरह चला भी रहा और उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, डे बाई डे उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शवाल हसन है, मैं एज ए ओटी अल्फला मेडिकल सेंटर में काम कर रहा हूँ और मैं अरसलान भाई को देख के काफ़ी मोटिवेट होता हूँ क्योंकि एक मतलब कि मेहनत करने वाले इंसान है और मैं उनको देख के काफ़ी मतलब मोटिवेट होता हूँ और इतनी छोटी उम्र में वो एक अच्छा सेंटर चला रहे हैं और वो काफ़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ वो किसी न किसी काम में मसरूफ़ होते हैं और अपने स्टाफ के साथ बहुत ख्याल रखते हैं। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अरसलान की कहानी, यानी कि एक आम आदमी की कहानी, उसने कैसे स्ट्रगल करके एक अपना बिज़नेस शुरू किया, डिग्री मिलने के बाद घर बैठ जाना और इस उम्मीद और ये उम्मीद लगा लेना कि मुझे नौकरी मिल जाएगी इंतहाई मुश्किल है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको काम आना चाहिए, प्रैक्टिकल काम आना चाहिए। घर बैठने से बेहतर है किसी जगह फ्री काम करें, लेकिन काम सीखें, उसके बाद आपको नौकरी खुद मिलेगी। हमने प्रोमो में आपको बताया था हम सुनाएंगे आप लोगों को आम लोगों की कहानियाँ और बताएंगे तारीख की कुछ हकीकतें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के किस शहर में शहीद किया गया और उनकी मुकम्मल कहानी। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह की अमानत।